नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राशन कार्ड के बारे में अपडेट, जो आप बहुत दिन से मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनलों में देख रहे हैं कि राशन कार्ड जिन लोगों के पास है और उनके पास फोर व्हीलर है, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है या 100 गज से या 80 गज से ऊपर मकान बना हुआ है, 6-7 कंडीशन थी उसमें, तो उन राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड सिलेंडर कराना है। सिलेंडर नहीं कराएंगे तो ये चल रहा था, बता रहे थे लोग कि उनको सरकार जो है पेनल्टी उनसे वसूली करेगी, ठीक है, मतलब कि 27 रुपये किलो, 24 रुपये किलो उनसे वापस लिया जाएगा जब तक इन्होंने अपना राशन कार्ड इशू कराया था और अब तक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी ये गवर्नमेंट ने क्लियर करा है, अभी 5-6 घंटे हुए हैं, कि ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है जो ये लिस्ट जो आप पढ़ रहे हैं या ये मीडिया में लोग चला रहे हैं कि फोर व्हीलर है, घर में एसी लगा हुआ है, तो ये जो है ये पहले से ही जब से राशन कार्ड बना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूँगा, ये मेरी पहली वीडियो है। और आपकी अगर कोई इंक्वायरी है या आपके पास ऐसा कुछ है ऑनलाइन, आप कुछ काम कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे बताइए, या कोई भी A to Z ऑनलाइन इंक्वायरी हो CSC के बारे में या कोई फॉर्म के बारे में या कोई जैसे योजना आ रही है गवर्नमेंट की, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आ गए हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप भी खोल सकते हैं और मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तो हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, पहली ये न्यूज़ चल रही है अभी 5 घंटे पहले दी गई है, पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, UP राशन सिलेंडर, ये देखिए ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये ऊपर देखिए, राशन कार्ड सिलेंडर करने का कोई आदेश नहीं जारी, खाद आयुक्त ने किया खंडन। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं है जो आप चैनलों में सुन रहे हैं या यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि आपको सिलेंडर कीजिए, अपने नज़दीकी तहसील में जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे ही पढ़ सकते हैं, देखिए ये इसमें पढ़िए, इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित साधन देश में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी को व्यवस्था की निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य युक्त कार्यालय में कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे वसूली की जाइए, या ये देखिए ये लिख रही है सिलेंडर करने का अथवा निश्चित समय में निर्धारित के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेंडर करना है, ठीक है, ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ। और मैं भी आपको बैग लेके चलता हूँ इनके ट्विटर पे, मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इनके ट्विटर पे लेके चलता हूँ। बने रहिए आप मेरे चैनल पर, सर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं बहुत अच्छी अच्छी ये देखिए, प्रदेश में राशन कार्ड सिलेंडर करने में उनके निस्थानीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, ये देखिए आप पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना कार्ड सिलेंडर नहीं करना है। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपका ऑटोमेटिक राशन में से नाम कट जाएगा, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आपका ऑटोमेटिक राशन में से नाम कट जाएगा आपको कुछ। ये देखिए पात्र गृहस्थी राशन कार्ड की पात्रता, ये जो पात्रता थी ये पहले ही दी गई थी, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये जब से बन, ये देखिए सब इसमें लिखा हुआ है 7 अक्टूबर 2014 को। ये जो आपको सब लोग बता रहे हैं मीडिया में सब कुछ आप सुन रहे हो, तो ये पहले से ही जब से 2014 से निर्धारित की गई है, इसमें जो चीज़ें आपको अभी बताई जा रही हैं पहले से ही इसमें हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। बस यही आपको अपडेट देना था, आप समझ गए होंगे, ठीक है सर, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।